हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जंगल में ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स कॉम्बैट रशियन के साथ एक दिन बिताएंगे जो सबसे अच्छा निकला। तो लार टपकाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे पिछले सफर के बाद जंगल पूरी तरह से बदल गया है और हरा भरा हो गया है। चारों तरफ ब्लूबेरी की बहुत सारी झाड़ियां हैं जो जल्द ही इस जंगल में रहने वालों को अपनी बेरीज से खुश कर देंगी। और हमने पास के एक लकड़ी के टुकड़े पर अपना नाश्ता तैयार करने का फैसला किया। अपने घुटनों को सूखा रखने के लिए हमने फर्न की पत्तियों और अलीएक्सप्रेस के फोम पैड का इस्तेमाल किया। बाहर से ऑस्ट्रेलियाई राशन मामूली दिखता है, लेकिन यकीन मानिए अंदर बहुत सारे मजेदार सरप्राइजेज हैं। एक छोटे बैग के अंदर हमें ये एक चम्मच मिला और ये सचमुच एक ठोस, मोटा और अच्छा चम्मच है। हम शायद घर पर भी ऐसे चम्मच से खाना पसंद करेंगे। हमेशा की तरह इसमें नमक, चाय और कॉफी है और उनके साथ ये समझ ना आने वाला मेटल का औजार है जिसमें तेज धार वाला फोल्डिंग ब्लेड है। आपको बाद में पता चलेगा कि ये किस लिए है। हमें नहीं पता कि ये तीन रबर बैंड किस लिए है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट्स में इसके बारे में पढ़कर खुशी होगी। इसके बाद हमारे पास मेंटोस के दो पैकेट्स हैं। हर पैकेट में तीन कैंडीज हैं। इसके अलावा ये आम मेंटोस नहीं है बल्कि ग्रीन टी के अर्क वाला है। इससे पहले हमने कभी ऐसा मेंटोस नहीं खाया था, लेकिन ये बहुत मजेदार निकला। और ये माचिस की तीलियों का एक प्यारा सा प्लास्टिक का ट्यूब है। इसमें दो तरह की माचिस है, एक आम सी और दूसरी तूफानों में भी जलने वाली। शायद ये पानी के अंदर भी जल सकती है। मेन खाने में हमारे पास मूसली है जिसमें फलों के बड़े टुकड़े या कैंडी बने हुए फल हैं। आपकी वजह से अब हमें पता है कि इन्हें क्या कहा जाता है। अच्छा, तो चलिए इन ऑस्ट्रेलियाई माचिस की क्वालिटी चेक करें। खैर, हमें लगता है कि माचिस बहुत अच्छी क्वालिटी वाली नहीं है। हम एक बड़ी वाली माचिस को जलाने की कोशिश करते हैं और ये भी नहीं जली। और सिर्फ हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली माचिस की डिब्बी की मदद से ये जैसे तैसे जली। बहुत सारे सूखे राशन में सूखे मेवे और कुकी शामिल होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने ब्रेड का एक पूरा टुकड़ा इसके साथ दिया है। हमने ब्रेड को दो टुकड़ों में काट लिया। इसका टेस्ट और महक आम रोटी के जैसा है। बहरहाल इसे कई सालों तक रखा जा सकता है। ब्रेड को मजेदार बनाने के लिए हमने उस पर कैन टूना लगाया जिसका पैकेट बिल्ली के गीले खाने की तरह दिख रहा है, हालांकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और फिर पहली बार हमें एक एमआरआई पैक में मुरब्बा मिला है जो ऐसे छोटे थक्कों में निकल रहा है और बहुत मीठा है। और उसके बाद ये एक बड़ा ट्यूब है जिसमें गाढ़ा दूध है। वैसे हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो एक कैन की पूरे गाढ़े मिल्क को एक बार में ही ब्रेड पर लगाकर खा सकता है। हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? लेकिन बस इतना ही नहीं है, इसके बाद दो जैम सैंडविच है जो किसी जादू की वजह से टूटे नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन अपने सैनिकों को अच्छी दावत देते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी सामान दिए हैं जिसमें कई तरह के विटामिन बी का ये छोटा ट्यूब है। ये खमीर का अर्क है जो गाढ़े न्यूट्रेला जैसा दिख रहा है, लेकिन ये नमकीन है और बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। इसीलिए ये सीधा चींटियों को खिलाने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर चला गया और यहाँ तक कि इसकी गंध से चींटियां भी चौंक गईं और ऐसा तोहफा लेने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रही। लेकिन अनाज और बीजों से बनी ये मीठे फलों की पट्टी ने हालात को संभाल लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एमएनएम का एक पूरा पैकेज भी शामिल है। ये तो गजब हो गया। काश वो इसे स्कूलों और कॉलेजों में परोसते। हमने मूसली को एक बाउल में डाला, उसमें गर्म पानी डाला। हालांकि इसमें दूध नहीं है। जब एक मूसली तैयार हो रहा तब तक चलिए हम कॉफी बनाते हैं। अब हमें पता चला कि इसमें दूध शामिल है, लेकिन दूध एक अलग बैग में है। आखिरकार हमारे पास मूसली और कॉफी के लिए काफी दूध था। जरा ऑस्ट्रेलियाई राशन ने जो हमें नाश्ता दिया है उस पर नजर डालिए जो मजेदार और कैलोरी से भरपूर है। हमने जंगल में रहने वालों के लिए उसमें से थोड़ा वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। रास्ते में हमें पेड़ के ऊपर टिका हुआ एक ढांचा मिला। हम समझ नहीं पा रहे कि ये किस इरादे से यहाँ रखा है। ये शिकार करने वाले टावर जैसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये पूरी तरह से खुला हुआ है और जानवर शिकारी को आराम से देख लेंगे। शायद ये सिर्फ एक बहुत ऊंची कुर्सी हो। इसे देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
वैसे आप अक्सर पूछते हैं कि हम किस तरह की चाकू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफी अच्छा लगता है। ये बोकर की एल्युमिनियम बॉडी वाला चाकू है। आप इसे इसके खास टॉपर से पकड़कर खोल सकते हैं, या आप इसे एक उंगली से ब्लेड को पीछे की तरफ खींचकर भी खोल सकते हैं, या बस हाथ को तेजी से झटकने पर भी ब्लेड बाहर निकल आता है। यह आसानी से फोल्ड भी हो जाता है, लेकिन अगर आप हैंडल को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ब्लेड का मैकेनिज्म अपने आप लॉक हो जाता है और आपकी उंगलियों को कटने से बचाता है। दोपहर का खाना एक मजेदार और हैरान करने वाली चीज के साथ शुरू हुआ, यानी कि ये नरम और खुशबूदार नींबू बिस्किट। अफसोस कि कैमरा खुशबू रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ये बिल्कुल ताजा और मुलायम है। हम इसके साथ इस पाउडर प्रोटीन ड्रिंक को पी सकते हैं, जो पानी के साथ मिलकर चॉकलेट के टेस्ट के एक मजेदार ड्रिंक में बदल जाता है। ये मजेदार चॉकलेट का छोटा बार जिस पर हमेशा सफेद कोटिंग होती है, हमें सचमुच बहुत पसंद आई। राशन के मैनुअल में लिखा है कि हम मेन खाने को बिना खोले ही पका सकते हैं, बस इसे थोड़ा सा मोड़ें और पैकेट को सीधे पानी में रख दें। जब तक ये पक रहा है, हम इस पैकेट को खोलते हैं जिसमें मजेदार दूध कैरमल है। एक राशन में इतने ज्यादा बढ़िया सामान कैसे हो सकते हैं। और अब जब हमारे खाने का पैकेट गर्म हो गया, तो हमने इसमें से गर्मा गर्म खाना निकाल लिया। ये चीज टमाटर सॉस और बीन से मिले मांस के टुकड़ों से बना सूप है। ये बहुत मजेदार है, लेकिन इसके साथ इंस्टेंट मैश किए हुए आलू भी हैं। हमने इसे जैसे ही गर्म पानी में डाला, हमारी आंखों के सामने ही जादू होने लगा। पाउडर गाढ़ा मसला हुआ आलू बन गया, जिसमें साग मिला हुआ है। आलू के साथ खाने के लिए हमारे पास मीठी चटनी का एक सूखा स्टेक भी है। इसे चबाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है, खासकर तब जब इसके ऊपर केचप लगा हो। ये खाना जिसमें बिस्किट, चॉकलेट, कैंडी और मजेदार मेन खाना शामिल हो, वो बहुत ज्यादा तारीफ के लायक तो बनता ही है। वैसे बर्तन धोने के लिए बैग में एक स्पंज था, जिसमें डिटर्जेंट की पट्टियां लगी हुई है, लेकिन हमें डर था कि कहीं इससे हमारे नॉनस्टिक पैन की कोटिंग न उतर जाए, इसीलिए हमने पैन को पुराने तरीके से साफ किया। हमने काई का इस्तेमाल किया, जिससे आसपास कोई गंदगी भी नहीं फैली। इस जंगल में किसी वजह से कॉनिफर पेड़ों की छाल पर बहुत सारे कटे के निशान बने हुए हैं। यहाँ कई दशक पहले लोग राल इकट्ठा करने के लिए ऐसे चीरे लगाते थे, जो इन बनावटी नाली में बहती और इकट्ठा होती थी। तरक्की याफ्ता देशों में आजकल पेड़ों के साथ ऐसा करना मना है। रात के खाने के लिए हम इस काई से ढके बड़े पत्थर का इस्तेमाल मेज की तरह करेंगे। सबसे पहले हमें ये बिस्किट मिला, ये नमकीन और थोड़े सेके हुए हैं। हमें ये बहुत पसंद है। इसके बाद हमने ये एक बड़ा पैकेट निकाला, जिसमें मशरूम सूप है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें मिली हुई हैं, इसीलिए सूप थोड़ा गाढ़ा और पौष्टिक है, और इसमें ब्रेड के तले हुए टुकड़े भी हैं। इसके अलावा हमारे मेन खाने में ये दूसरा पैकेट चिकन इटालिनो का है, जिसमें पास्ते के साथ मांस के टुकड़े मिले हुए हैं। लेकिन इसे और भी मजेदार बनाने के लिए उन्होंने इसके साथ ये चेडर चीज का एक कैन दिया है। अब वक्त आ गया है उस मेटल के औजार को इस्तेमाल करने का, जिसको हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। इसके नुकीले हुक से आप आसानी से इस कैन को खोल सकते हैं, जो पूरा मुलायम पिघली हुई चीज से भरा है। बिस्किट पर चीज फैलाने के लिए हम इसी औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बची हुई चीज को पिघलने के लिए हमने मेन डिश में डाल दिया। ये पीसे फलों से बनी चॉकलेट बहुत ही मीठी और मजेदार है। हम अभी वीडियो एडिट कर रहे हैं, पर इसे देखकर हमें भूख लगाई है। इस छोटे पैकेट से आधा लीटर से ज्यादा आइसोटॉनिक ड्रिंक बनता है, लेकिन हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसका सिर्फ एक हिस्सा बनाएंगे। बहुत सारी काम की चीजों और मिनरल से भरे इस हरे लिक्विड के साथ हमारी ड्रिंक तैयार हो गई। हमने इस हॉट सॉस को पास्ता के बाउल में डाल दिया,
और हमारा रात का खाना तैयार है। अभी भी सुबह के नाश्ते का थोड़ा गाढ़ा दूध बच गया है। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स कॉम्बैट राशन की सबसे खास बात यह है कि ये सबसे अच्छा और मजेदार निकला। चूंकि हॉट सॉस हमने ज्यादा ले लिया था, इसीलिए पास्ता खाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसीलिए जो कुछ बचा है हमने यहीं पर छोड़ दिया कि शायद कोई गिलहरी या खरगोश इस मसालेदार खाने का मजा उठा ले।